नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर कैंसर होने से पहले ही कुछ ऐसे संकेत दे देता है कि अगर उनको पहचान लिया जाए तो उनका इलाज करके कैंसर होने से रोका जा सकता है, और अगर कैंसर हो भी गया हो तो फर्स्ट स्टेज पर ही उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। आइए देखते हैं शरीर द्वारा दिए जाने वाले ये बहुत ही पावरफुल 9 संकेत क्या है। नंबर 1, त्वचा में बदलाव। कई बार त्वचा पर अजीब दिखने वाले चकत्ते पड़ने लगते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को खुजली का अनुभव भी हो सकता है। कई बार चलते फिरते चोट लग जाने के कारण चोट वाली जगह का रंग बदल जाता है। अगर कई हफ्तों के बाद भी स्किन का रंग सामान्य नहीं हो पा रहा है तो यह स्किन कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। नंबर 2, बेवजह वजन कम होना। अगर बिना किसी वजह के वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है तो ये चिंता की बात है। आमतौर पर थायराइड की समस्या यानी हाइपर थायराइड में वजन अचानक कम होने लगता है, लेकिन कई बार ये पैनक्रियाटिक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। नंबर 3, निगलने में कठिनाई होना। गले में खराश, संक्रमण, टॉन्सिल्स जैसी समस्याओं के चलते हमें निगलने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर बिना किसी कारण के काफी टाइम से यह समस्या हो रही है या खाते ही उल्टी हो जाती है तो ये पेट के कैंसर की ओर इशारा करता है। नंबर 4, पेशाब में कठिनाई होना। अगर अचानक तेज पेशाब का अनुभव होता है, रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब रुक रुक कर या धीमी गति से निकलती है, पेशाब के दौरान जलन आदि जैसी समस्याओं का अनुभव होता है तो ये प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है। नंबर 5, ब्रेस्ट में बदलाव। अगर ब्रेस्ट में सूजन, गांठ, बगल में गांठ, बिना स्तनपान के निपल डिस्चार्ज होना, त्वचा में सिकुड़न, त्वचा का रंग हल्का लाल या नारंगी होना, गंभीर खुजली होना, निपल के आसपास की त्वचा का ढीला पड़ना जैसी समस्याएं नजर आ रही हैं, तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए, ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। नंबर 6, सूजन होना। महिलाओं में सूजन आम समस्या है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद भी सूजन कम नहीं हो रही है तो ये किसी गंभीर कैंसर का कारण बन सकती है, जिसमें आंत, ओवेरियन, पैनक्रियाटिक, यूटेरस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आदि कैंसर शामिल है। नंबर 7, महीने में 2 बार पीरियड्स होना। सामान्य तौर पर महिलाओं का मासिक धर्म 25 से 28 दिनों के अंतराल के आधार पर चलता है, लेकिन कई ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें महीने में 1 से ज्यादा बार पीरियड्स होते हैं। कई महिलाओं में पीरियड्स खत्म होने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। हालांकि अक्सर इस समस्या की वजह अलग और सामान्य हो सकती है, लेकिन कई बार यह समस्या कैंसर का संकेत भी हो सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पेशाब या मल के साथ खून आना। आमतौर पर अगर लगातार कई दिनों से मल के साथ खून आ रहा है तो पाइल्स की समस्या हो सकती है, लेकिन ये कॉलन कैंसर का संकेत भी हो सकता है। पेशाब में खून की समस्या पित्ताशय या किडनी के कैंसर की ओर भी इशारा करती है। नंबर 9, पुरुषों के अंडकोश में बदलाव होना। अंडकोश में सूजन, गांठ, भारीपन आदि किसी भी प्रकार का बदलाव टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ये कैंसर एक रात में विकसित हो सकता है, इसलिए अंडकोश में दिखने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव को बिल्कुल अनदेखा नहीं करें। इसके अलावा मुंह में छाले होना, बहुत दिनों तक लगातार खांसी रहना, शरीर में गांठ होना या बेवजह खून आना भी कैंसर के लक्षण होते हैं। इसलिए अगर आपका शरीर इनमें से कोई भी संकेत आपको लगातार दे रहा है तो आपको तुरंत इसका इलाज करना चाहिए, जिससे आप कैंसर से बचे रहेंगे।